गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। ये है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम गरीबी वाला चैप्टर कर चुके हैं पूरा, और आज हम उपभोक्ता अधिकार वाला चैप्टर करेंगे। और ये इसका फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले निर्धनता वाले 3 वीडियो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उपभोक्ता अधिकार के अंदर उपभोक्ता कौन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के पहले पेज में आपको कुछ ऐड दिखाए गए हैं और आपको डायरेक्ट ये बताया गया है कि भाई उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं। जबकि सबसे पहले आपकी जो पुरानी NCERT की बुक थी उसमें आपको उपभोक्ता की डेफिनेशन दी हुई थी। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ कि उपभोक्ता वो है, वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। अब उपभोक्ता अधिकारों की बात करें तो हमारे देश में उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, और वो अधिकार इसीलिए दिए गए हैं ताकि प्रत्येक उपभोक्ता जो वस्तु और सेवा खरीदता है उनके संदर्भ में यदि उसे कोई हानि होती है तो वो अपनी भरपाई की मांग कर सके। ठीक है, लेकिन उपभोक्ताओं को अधिकार देने से भी पहले हमारे देश में जब अधिनियम बना था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें उपभोक्ता की 3 तरह की डेफिनेशन दी गई थी, जो कि मैंने क्लास में भी नोट्स में आपको करवाई थी। क्योंकि हम उपभोक्ता होने की शर्तों को जब पूरा करेंगे तभी हम उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे पहली डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि यदि आप किसी दुकान पर जाकर के कुछ सामान खरीदते हैं और उस सामान के बदले आप पूरा भुगतान कर देते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये थी कि यदि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के बाद आप उस वस्तु के बदले आधा भुगतान करते हैं, यानी कि आधे पैसे दे देते हैं, आधे बाद में देंगे, तो भी आप उपभोक्ता कहलाएंगे। इसके अलावा तीसरी डेफिनेशन ये कहती है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के बाद आप उसके बदले भुगतान नहीं करते लेकिन भुगतान करने का वचन देते हैं कि हाँ हम 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या 15 दिन बाद पैसे आपके दे देंगे, तो भी आप उपभोक्ता कहलाएंगे। यानी कि तीनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, या तो पैसे दे रहे हैं उसी टाइम या आने वाले समय में हम पैसे देने का वचन दे रहे हैं, तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति दुकान से सामान लेकर के जाता है और वो ये कहता है मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो उस कंडीशन में हम उसे उपभोक्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि भुगतान उसे करना पड़ेगा तभी वो उपभोक्ता कहलाएगा। ऐसा उपभोक्ता अधिकार के जो अधिनियम बने हैं उनमें कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं। तो उपभोक्ताओं को उनके हितों के संरक्षण के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वो उपभोक्ता अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको इस बुक में इस पेज पर पहले काफ़ी सारे ऐड दिए गए हैं, अखबार की कटिंग दी हुई है, जैसे गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें। अब ये हर उपभोक्ता का अधिकार होता है कि यदि वो गरीब है तो भी उसे राशन मिलना चाहिए, अमीर है तो उसको अलग क्वालिटी का मिलेगा, मतलब वो ले सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, तो बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल कैसे शुरू हो सकता है, ये तो उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको उपभोक्ता की डेफिनेशन बता दी है, ये आप अपनी नोट्स की कॉपी में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर के रीडिंग की, तो आप इसमें अपनी बुक के साथ मैच कीजिएगा। उपभोक्ता संग्रह, उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग उपभोक्ता न्यायालय में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ और संघर्षरत थे। यानी कि किसी न किसी उपभोक्ता के साथ जब कुछ गलत हुआ तो उन्होंने शिकायत की और सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय दिया, तो ये उसी की कुछ कटिंग है। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाजार में उपभोक्ता की।
बुक में आपके काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। पहले की बुक में आपके पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक दिए हुए थे, अभी की बुक में नहीं है। तो जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ वो सुन करके भी आपको अपने चैप्टर के नोट्स रेडी करने हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पूरा खिचड़ी बना करके दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाज़ार में उपभोक्ता। बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है, यानी कि जो एक व्यक्ति है वो सामान बनाता भी है यानी कि उत्पादक भी हो सकता है, और सामान खरीदता भी है यानी कि वो उपभोक्ता भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों में से केवल एक ही होंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हमने पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाज़ार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। हम उपभोक्ता कब कहलाएंगे? जैसे कि मैंने बताया, जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे तभी आप उपभोक्ता कहलाएंगे, या खरीद करके बाद में भुगतान करने का वचन देंगे तब फ्री में नहीं ले सकते, तब आप उपभोक्ता नहीं है, तब आप या तो चोर कहलाएंगे या को रिश्तेदार कहलाएंगे। उपभोक्ताओं के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं, यानी कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करता है दुकान से खरीद करके, उन्हें हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियम और नियंत्रण या इसके लिए उठाए गए कदम की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठीक उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस तरीके से जमींदार किसी किसान पर अत्याचार करते हैं और फिर किसान उन अत्याचारों की भरपाई की मांग करता है, तो ठीक उसी प्रकार दुकानदार यदि किसी उपभोक्ता का शोषण करते हैं तो वो उपभोक्ता भी अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के साहूकारों, जिनके बारे में हम पहले अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह की दावों पर चपनाते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह क्या होता है, उपभोक्ता से या तो कभी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं या उन्हें गलत क्वालिटी की वस्तु दे दी जाती है। बात करते हैं अगले पैराग्राफ की, ये वाला पैराग्राफ आपके काम करेंगे। ठीक इसी तरह बाज़ार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है ताकि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों की सुरक्षा मिल सके, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं और आप ही कहते हैं कि भाई ये वस्तु हमें आपने ख़राब दे दी, तो दुकानदार क्या करता है, ये कहता है भाई आपको देख के ले जानी चाहिए थी, तो वो खुद की गलती नहीं मानता, हमारे ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देता है वो। ठीक है, देखिए आगे, तो सामान्यतः तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है कि आपने जो ख़रीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। तो उपभोक्ता आंदोलन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो इसी स्थिति को बदलने का एक प्रयास है, यानी कि दुकानदार या उत्पादक वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें और उपभोक्ताओं को शोषण से निकलने में सहयोग करें। तो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर उपभोक्ता अधिकारों की, लेकिन अधिकार क्यों दिए गए? उपभोक्ताओं के साथ काफ़ी सारे शोषण हुए तभी, तो यहाँ पर अभी हमें समझना है कि उपभोक्ता शोषण क्या होता है। देखिए, बाज़ार में उपभोक्ता शोषण कई रूपों में होता है। जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन न तो पहले कभी किया गया है, या कभी कभी दोषपूर्ण या मिलावटी वस्तुएं भी बेची जाती हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं? उपभोक्ता शोषण का मतलब उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जब यदि किसी प्रकार की हानि होती है तो वो सारी हानि किस में आती है? उपभोक्ता शोषण में आती है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो आपकी नई बुक के हिसाब से है, जो बुक आप लोगों के पास है, जबकि ये जो बुक है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हालांकि सिलेबस आपका बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन नई बुक में आपके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप अपनी नई बुक में से ही जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे मैच कीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता शोषण के प्रकार, ये आपकी बुक में दिया हुआ है उपभोक्ता शोषण के स्वरूप करके।
ठीक है। तो उपभोक्ता शोषण के दो स्वरूप होते हैं, यानी कि शोषण दो तरीके से उपभोक्ता के साथ किया जा सकता है। पहला शोषण वस्तु या माल के आधार पर और दूसरा शोषण सेवा के आधार पर। तो वस्तु या माल के आधार पर शोषण या सेवा के आधार पर शोषण किस तरीके से होगा, तो हम देखते हैं इसको कि जब हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं, और एक उपभोक्ता दो चीज़ें खरीदता है, या तो वो वस्तुएं खरीदता है या वो सेवाएं खरीदता है, तो दोनों को ही खरीदने पर उसके साथ शोषण हो सकता है। कैसे होगा देखिए, जब हमने वस्तु खरीदी तो पहला पॉइंट कि वस्तु हमें मिलावटी दी जा सकती है, यानी कि वस्तु जब मिलावटी होगी तो भी हमारे साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। मिलावटी वस्तु का मतलब कि कोई अच्छी क्वालिटी की वस्तु थी, जैसे कि आजकल जो मसाले आ रहे हैं उनमें लाल मिर्च के अंदर ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है, ठीक है, धनिए के अंदर घास का पाउडर मिला देते हैं, ये सच है। न्यूज़पेपर में कुछ टाइम पहले आया था कि हमारे किचन में 90% जो सामान रखा रहता है वो मिलावटी है, ठीक है। इसी तरीके से कपड़ों को लेकर के भी मिलावट की जाती है, यानी कि जो कॉटन होता है उस कॉटन के साथ प्लास्टिक मिक्स कर देते हैं, कचरे से बनी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो पहला शोषण कैसे हुआ, मिलावटी वस्तु में बेच करके, वस्तु के आधार पर। वस्तु के आधार पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, किसी वस्तु की गुणवत्ता को कम करके। यदि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं दुकान पर मिल रही हैं, पूरी शुद्ध वस्तुएं मिल रही हैं, तो ग्राहक जब उन्हें ख़रीदने जाता है उससे पहले उसकी जो शुद्धता है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे कि मार्केट में जो बादाम मिलते हैं वो 1400 रुपये किलो भी हैं, 700 रुपये किलो भी हैं, 500 रुपये किलो भी हैं। ये तीन प्राइस क्यों हैं, क्योंकि तीनों की जो क्वालिटी है वो अलग अलग होगी। अब आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, गरीब व्यक्ति 500 वाले खा लेगा, अमीर 1400 वाले खा लेगा, लेकिन कई मामलों में क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ को घटिया बना करके, जैसे कि बादाम के अंदर से पूरा ऑयल निकाल लिया जाता है और फिर उसे ऊंचे दामों पर ही बेचा जाता है, ये होता है उपभोक्ता शोषण। तीसरा जो शोषण का प्रकार होगा वो होगा कि यदि वस्तु की MRP से अधिक कीमत वसूल की जाए। MRP का मतलब होता है अधिकतम खुदरा कीमत। अधिकतम खुदरा कीमत का मतलब ऐसी कीमत जो ग्राहकों के लिए बनाई गई होती है, ग्राहक जिस कीमत पर वस्तुएं खरीदता है वो अधिकतम खुदरा कीमत या MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कई बार दुकानदार क्या करते हैं, उस कीमत से ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। यदि वस्तु की पैकिंग पर 50 रुपये लिखे हुए हैं तो वो आपसे 55 या 52 रुपये ले लेगा और आपको वो कहेगा कि हमने ये एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं GST यानी कि टैक्स के, क्योंकि कुछ ग्राहकों को जानकारी नहीं होती, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसने 50 रुपये की जगह 52 लिए तो उसने क्या किया, 2 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लिए, जबकि टैक्स की राशि पहले से ही 50 रुपये में शामिल होती है, हमें अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती वस्तुओं पर। तो ये भी क्या है, उपभोक्ता शोषण है। अब अगर हम बात करते हैं अगले शोषण की, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया, उपभोक्ता शोषण को 2 प्रकारों में बांटा, वस्तु के आधार पर और दूसरा सेवा के आधार पर। वस्तु के आधार पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, पहला क्या था, वस्तु में मिलावट करके, दूसरा उसकी गुणवत्ता कम करके, और तीसरा था MRP से अधिक कीमत वसूल करके। चौथा जो शोषण है वस्तु के आधार पर वो ये है कि वस्तु का असुरक्षित होना। वस्तु असुरक्षित कैसे होगी, मान लीजिए आप दुकान से प्रेशर कुकर खरीद करके लाते हैं, जो प्रेशर कुकर हमारे लिए सही होगा या जल्दी ख़राब नहीं होगा उस पर क्या होता है, ISI मार्क लगा होता है। और ये ISI मार्क क्यों लगा होता है, वो ये बताता है कि जो आपने वस्तु खरीदी है वो पूर्णतः हमारे लिए सुरक्षित है। अब मान लीजिए कई बार कुछ उत्पादक क्या करते हैं, नकली ISI मार्क लगा देते हैं और घटिया क्वालिटी का प्रेशर कुकर आपको बेच देते हैं। और मान लीजिए हम उसे घर पर लेकर के आए, वो घर पर आते ही हमने उसमें खाना बनाया और वो फट गया, तो हमारे लग सकती है चोट, तो वो वस्तु हमारे लिए क्या हुई, असुरक्षित होगी। तो असुरक्षित वस्तु को बेचना भी उपभोक्ता शोषण का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। ये हो गया 14 पॉइंट। पांचवा जो शोषण का प्रकार है वस्तु के आधार पर वो है वस्तु के दोषों को जानबूझ करके छिपाना। वस्तु के दोष जानबूझ करके छिपाने का क्या मतलब है, मान लीजिए अभी लॉकडाउन था
छः महीने तक, और शुरुआती 3 महीने हमने किसी भी दुकान से कोई वस्तु नहीं खरीदी। अब आप ये सोचिए, दुकान पर जितनी भी वस्तुएं रखी थी, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुकान हो, उन पर जो सामान था वो कहीं ना कहीं ख़राब ज़रूर हुआ और मैं कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर आया। अब कुछ दुकानदारों ने क्या किया कि पुराना माल जो ख़राब हो चुका था उसी को पैक करके हमें वो दे दिया। उसे पता था कि ख़राब हो चुका या ख़राब होने वाला है, तो उसने क्या किया, उसके जो दोष थे उसे जानबूझ करके उसने छिपा दिया। ठीक है, अब इससे हमें नुकसान होगा, इसलिए ये भी किस में रखा गया है, उपभोक्ता शोषण की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि वस्तु पर कुछ शर्तें लिखी होती हैं बेचने की, उन शर्तों की पालना भी दुकानदार नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर आपको वस्तु लेनी है तो लें, नहीं तो ना लें। तो कुल मिलाकर के हमने कितने पॉइंट किए वस्तु के आधार पर शोषण में? 5 पॉइंट किए हैं, और भी कई सारे पॉइंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि दुकानदार हमारे ऊपर वस्तु को ख़रीदने का दबाव बनाता है, ज़बरदस्ती हमारे वो पीछे पड़ जाता है और ये कहता है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी की वस्तु आप इसे लीजिए और उपभोग करके देखिए, यानी कि वो हमारे दिमाग पर एक प्रेशर बनाता है। ये भी उपभोक्ता शोषण की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके उपभोक्ता शोषण के प्रकार वस्तुओं के आधार पर। अब हम बात करते हैं सेवाओं के आधार पर उपभोक्ता शोषण की। जिस प्रकार एक उपभोक्ता बाज़ार से वस्तुएं खरीदता है, उसी प्रकार एक उपभोक्ता बाज़ार से सेवाएं भी खरीदता है। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, उससे हमारा मनोरंजन हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेवा का लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर की सेवा खरीद रहे हैं। टीचर्स से हम फीस देकर के पढ़ते हैं तो हम उनकी सेवा खरीद रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से नाई हो गया, मोची हो गया, जो भी व्यक्ति अपनी सेवाएं बेच रहे हैं वो हम सेवा खरीद रहे हैं। अब इसमें शोषण कैसे होता है, तो सेवा में शोषण का पहला पॉइंट है सेवा शर्तों का पूरा ना करना। सेवा शर्तों का पूरा ना करना, जैसे मान लीजिए आपने कहीं उदयपुर घूमने का प्लान बनाया और घर बैठे ही आपने जाने से पहले होटल बुक कर दिया कि भाई हम इस जगह पर रुकेंगे फैमिली वाले, और उसमें आपने क्या देखा कि हाँ भाई होटल में सारी फैसिलिटी हैं, बिजली आती है, एसी लगा हुआ है, साफ़ सफाई रखी है, सैनिटाइज किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे आपने देखा कि गंदगी थी वहाँ पर, और लाइट नहीं थी या पानी की सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो शर्तें आपको ऑनलाइन बुकिंग करने पर दिखाई थी वो वहाँ पर जब आप गए तो आपको उन्होंने नहीं दी, तो ये भी क्या होगा, जबकि आप उसका पूरा पेमेंट कर चुके थे। तो ये भी आता है उपभोक्ता शोषण के सेवा वाले प्रकार में, कि सेवा के आधार पर शोषण ऐसे होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, सेवा शर्तों का पूरा ना होना। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेवा का असुरक्षित होना। सेवा असुरक्षित कैसे हो सकती है? अब मान लीजिए कि हम अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए, जैसे कि मैं कोरोना का एग्जांपल लूँ, अभी कोरोना चल रहा है, तो हम टेस्ट करवाने गए और डॉक्टर ने आपका टेस्ट करने के लिए जो उपकरण काम में लिए वो सैनिटाइज नहीं किए थे, पुराने उपकरण उसने काम में ले लिए, तो इससे उल्टा असर क्या हुआ कि आपको अगर कोरोना था भी नहीं तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया था, उपकरणों को सैनिटाइज नहीं किया था, तो वह सेवा कैसी हुई आपके लिए, असुरक्षित होगी। या मान लीजिए आप किसी मेले में जाते हैं और मेले में किसी ऐसे झूले पर आप झूला झूल रहे हैं जिस जो पुराना है, तो वो भी क्या है, आपके लिए असुरक्षित है, आपको चोट लग सकती है। ठीक है, तो दूसरा शोषण क्या हुआ, पहला क्या था, सेवा शर्तों का पूरा ना होना, और दूसरा था सेवा का असुरक्षित होना। तीसरा पॉइंट वस्तु की तरह ही ये सेवा के दोषों को जानबूझ करके छिपाना। सेवा के दोषों को जानबूझ करके छिपाने का मतलब है कि सेम एग्जांपल ले रही हूँ, जिस डॉक्टर के पास आप टेस्ट करवाने गए थे वो डॉक्टर ना होकर के कंपाउंडर था, और वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं मेन प्रशासन, उनको पता था कि हमने डॉक्टर की जगह क्या रख रखे हैं, कंपाउंडर कुछ, क्योंकि ज़रूरत थी उस टाइम पर। ठीक है, तो कंपाउंडर से इलाज की तो गारंटी होती नहीं है, वो अपने लेवल का ही इलाज करेंगे या अपने लेवल की ही जानकारी देंगे आपको, तो ये भी एक तरह का दोष है जिसके चलते आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है वो है सेवा का मूल्य अधिक होना। कई बार क्या होता है, सेवा का मूल्य अधिक होने का मतलब कि मान लीजिए आप किसी पार्लर जाते हैं और पार्लर में वहाँ के जो लोग आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने आपसे जो फीस है वो ज़्यादा ले ली, ठीक है, और अन्य ग्राहक से उसने फीस कम ली, तो जान पहचान के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, सभी से समान फीस नहीं ले रहे, तो ये भी किस में आता है, उपभोक्ता शोषण में ही आता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु के आधार पर शोषण में आपने 5 पॉइंट किए, सेवा के आधार पर शोषण में हमने 4 पॉइंट किए। सेवा के आधार पर शोषण का 5वां पॉइंट होगा कि मांगी गई सेवा का समय पर पूरा ना होना। मांगी गई सेवा का समय पर पूरा ना होना इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था, आप कहेंगे ऑर्डर तो हम वस्तुएं कर रहे, सेवा नहीं, बिल्कुल ठीक, लेकिन अमेज़ॉन क्या है, आपके घर तक सामान पहुँचाने की सेवा आपको उपलब्ध करवा रहा है। किसी चीज़ की जब ज़रूरत आपको 10 दिन के अंदर अंदर थी तो वो सेवा आपको अमेज़ॉन 20 दिन के अंदर पहुँचा रहा है, तो जो ज़रूरत आपको 10 दिन के अंदर है वो 20 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि वो समय पर आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया उसने, तो ये भी शोषण में ही आएगा, जबकि उसने कहा था भाई 10 दिन में पूरा कर देंगे, तो ये भी इसमें आता है, उपभोक्ता शोषण में आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो किया वो आपको नोट करना है, सबसे पहले आपको उपभोक्ता की परिभाषा बतानी है, ठीक है, कॉपी में किस तरह से करेंगे, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषाएं, 3 परिभाषा आपको लिखनी है, मैं रिपीट कर देती हूँ वापस, फिर आप लिख लीजिएगा सुन करके। पहली परिभाषा, वस्तु या सेवा के बदले यदि हमने पूरा भुगतान कर दिया हो तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उपभोक्ता। यदि किसी व्यक्ति ने वस्तुओं और सेवाओं के बदले आधा भुगतान किया हो तो भी हम उपभोक्ता हैं। तीसरी परिभाषा, यदि वस्तुओं और सेवाओं के बदले भुगतान करने का वचन दिया गया हो, हम भविष्य में भुगतान कर देंगे, ठीक है, तो भी हम क्या माने जाएंगे, उपभोक्ता माने जाएंगे। उपभोक्ता की परिभाषा के बाद आपको बताने हैं उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं और उपभोक्ता शोषण के प्रकार। उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं, मतलब उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण ना करना या उन्हें हानि पहुंचाना ही उपभोक्ता शोषण होता है। फ्लोचार्ट बना करके 2 प्रकार लिखेंगे, पहला वस्तु के आधार पर या माल के आधार पर और दूसरा सेवा के आधार पर, और इन दोनों के नीचे फ्लोचार्ट के अंदर ही आप पॉइंट लिखेंगे सारे। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता अधिकारों की। धन्यवाद।